हेलो एवरीवन, वेलकम इन अवर न्यू वीडियो विद एक्सरसाइज 5D. फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट. हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है और हमें ये बताना है कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिंपल फ्रैक्शन की, कोई भी फ्रैक्शन कैसे होती है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होती है. लेकिन सिंपल फ्रैक्शन की पहचान क्या होती है? अगर सिंपल फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालते हैं, कंबाइंड HCF निकालते हैं, अगर हमारा HCF क्या आता है, वन आता है. अगर हमारा HCF क्या आता है, वन आता है, तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी. अगर HCF वन से ज़्यादा कोई भी नंबर आता है, टू आता है, थ्री आता है, सिक्स आता है, तो फिर हमारे पास वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन नहीं होगी. अब इसी क्राइटेरिया को देख के हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं. इसका ए पार्ट क्या है हमारे पास? ए पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन जो गिवन है वो है 18 अपॉन में 27. अब सबसे पहले हम ना HCF निकालने के लिए सबसे पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना मैं थोड़ा सा सिखाती हूँ. सबसे पहले 18 को हम किससे डिवाइड करेंगे? सबसे छोटा नंबर क्या है? 2. 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18. अब 9 2 के टेबल में तो आता नहीं है, 3 के टेबल में आएगा. 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3. ये डिवीज़न तब तक करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आ जाता. अब आपने जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया है वो नंबर्स लिख लेते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब सेम यूज़ करेंगे हम, ऐसे ही करके हम किसका निकालेंगे, हमारे पास जो 27 गिवन है हम उसका निकालते हैं. 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं. 27 है, 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये हमारा 3 से डिवाइड होगा. 3 9 जा 27. अगेन 3 किससे डिवाइड होगा? 3 3 जा 9 होता है. एंड 3 1 जा 3. मैंने अभी बताया जब तक 1 नहीं आता तब तक हम डिवीज़न करते हैं. तो अब हम इसके भी मल्टीपल्स लिख लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब आपने जो भी HCF कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना HCF. अगर हम यहाँ पे HCF निकालें तो हमारे पास HCF में क्या आ रहा है? एक 3 और दोबारा भी 3. HCF वही तो होता है जो नंबर दोनों में होता है. यानी इसका HCF निकालें हम, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? HCF 9. और अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास HCF 1 होगा तो ही हमारे पास वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी. अब 18 अपॉन 27 का हमने HCF निकाला है तो HCF हमारे पास क्या है? 9 आया है. तो हम इजिली बोल सकते हैं इट इज़ नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हमारे पास नहीं है. अब हम इसका बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में क्या है हमारे पास? 11 और 19. अब अगर 11 के फैक्टर्स निकाले तो 11 का फैक्टर 1 होता है, क्योंकि 11 सिर्फ 1 की टेबल में आता है या फिर खुद की टेबल में आता है. ऐसे ही 19 1 की टेबल में आता है और 19 की टेबल में आता है. तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले तो हमारे पास HCF क्या आ गया है? 1. तो इट मीन्स मैंने अभी आपको बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म कब मानी जाएगी? जिसका HCF 1 हो. तो इट इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अब सी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 38 अपॉन में 114. तो सबसे पहले हम 38 के मल्टीपल्स निकालेंगे. तो 38 का मल्टीपल्स निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करेंगे. 38 को सिंपलेस्ट फॉर्म 2 से डिवाइड होगा. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18. अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 19 खुद की ही टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है. तो 19 1 जा 19, यानी 38 के मल्टीपल्स हो गए हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 19. अब हम क्या करेंगे, हमें निकालने हैं हमारे पास 114 के मल्टीपल्स. 114 के मल्टीपल्स निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 114 को भी डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14. अब ये अगेन हमारे पास 19 से डिवाइड हो जाएगा. 19 3 जा 57 एंड 3 1 जा 3. अब हमारे पास जो मल्टीपल्स आए हैं वो क्या आ गए? 2 19 एंड 3. अब हमारे पास अगर यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर निकाले तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है दोनों के अंदर से? 2 भी आ रहा है और 19 भी आ रहा है. यानी अगर हम इसका HCF देखें तो HCF हमारे पास क्या आ गया है? 2 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल टू 38. तो इसमें हमारे पास 1 HCF ना होके 38 HCF है, इसलिए हम इजीली बोल सकते हैं कि इट इज़
not in simplest form. नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 14 अपॉन में 15. सबसे पहले हमें क्या करना है, 14 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन से मल्टीपल्स निकालते हैं. 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7. तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7. अब हम सेम ऐसे ही हमारे उसके निकालेंगे 15, जो नेक्स्ट डिनोमिनेटर में नंबर गिवन है 15, उसके मल्टीपल्स निकालते हैं. 15 सबसे पहले ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5. तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल्स क्या है, 3 एंड 5, और ये लास्ट में 1 तो आएगा ही हमारे पास. तो इन दोनों के अंदर अगर हम अपने मल्टीपल्स को चेक करें, जो कॉमन हाईएस्ट एचसीएफ निकालते हैं ना, एचसीएफ के लिए अगर हम चेक करें, तो इनमें एचसीएफ सिर्फ हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. एचसीएफ हमारे पास क्या है, दोनों का 1. और मैंने अभी बताया था आपको कि एचसीएफ अगर हमारे पास 1 होता है तो वो फ्रैक्शन हमारी किस में होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो इट इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिड्यूस ईच फ्रैक्शन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. हमें फ्रैक्शन गिवन है और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो पहले हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं इसको. जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 6 अपॉन में 10. तो सबसे पहले हमें इन दोनों ही नंबर का एचसीएफ निकालना होगा, और जो एचसीएफ आएगा उससे अगर हम इस नंबर को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी. अब HCF निकालने के दो तरीके होते हैं. जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था प्राइम फैक्टराइजेशन, कि 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. तो 6 का हमारे पास मल्टीपल्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1. ओके, अब ऐसे ही हम 10 का निकालते हैं, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5. अब हमारे पास अगेन 10 के मल्टीपल्स क्या आ गए, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1. तो मेनली हमारे पास जो एच सी एफ आया वो क्या आया है, 2 और 1 आया है. मतलब अगर यहाँ पे एच सी एफ लिखूँ मैं, तो एच सी एफ हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 1, यानी एच सी एफ आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया. अब आपको क्या करना होता है कि जो गिवन फ्रैक्शन है, हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है. अब हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन थे 6/10, तो हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और अगेन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेम एचसीएफ से डिवाइड करेंगे. एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन थी वो हमारे पास क्या आ गए, 3/5 आ गए. ये तो हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करके. अब मैं इसको आपको डिविज़न मैथड से भी करके दिखाऊँगी. सेम फ्रैक्शन लेते हैं 6/10. डिवीज़न मेथड में क्या होता है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 6/10 है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं. 10 हमारे पास बड़ा है, हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं. 6 1 जा 6, 10 में से 6 गए 4. अब जिससे जो 6 और 4 में, यहाँ पे देखो 6 और 4 में 6 बड़ा है, अब ये 4 डिवाइड करेगा किसको, 6 को. तो 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए, हमारे पास क्या बच गए, 2. अब ये 2 से 2 डिवाइड करेगा 4 को, एंड 2 2 जा 4, कंप्लीट डिवीज़न हो गया. तो जहाँ पे जाके हमारे पास कंप्लीट डिवीज़न हो जाता है वो हमारा एच सी एफ आता है. तो यहाँ से इस फ्रैक्शन के लिए हमारे पास एच सी एफ बाई डिवीज़न मेथड कौन क्या निकल के आया, 2 निकल के आया. अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन थी उसको एच सी एफ से डिवाइड करना है. 6/10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आई है वो क्या आ जाएगी, 3/5. आंसर हमारे पास दोनों ही मेथड से सेम आ रहा है. आपका जो जो आपको इजी लगे, आप बेटर लगे, वो यूज़ कर सकते हो. तो इसमें मैं डिवीज़न मेथड भी यूज़ करूँगी. अब हम अपने क्वेश्चंस को इसी क्राइटेरिया को देखते हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. इसमें जो एग्जांपल लिया था ए पार्ट वही था, 6/10 ही ए पार्ट था, तो मैं बी पार्ट से स्टार्ट कर रही हूँ. बी पार्ट था हमारे पास 21/30. सबसे पहले मैं इसको डिवीज़न मेथड से करती हूँ. हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 21 से, 21 से डिवाइड करेंगे 21, 1 जा 21, 30 में से 21 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 9. अब हमें क्या करना है, 21 को 9 से डिवाइड करते हैं, 9 2 जा 18.
अब यहाँ पे हमारे पास 21 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। अब 3 3 किसको, 3 से डिवाइड करेंगे 9 को, 3 3 9, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डिवीज़न हो गया है। तो हमारे पास एच सी एफ क्या आया है, यहाँ पे 3 आया है, एच सी एफ इज़ इक्वल टू 3। तो अब हम अपनी फ्रैक्शन लिखेंगे, 21 अपॉन में 30 था। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हमें एच सी एफ से डिवाइड करना होता है। डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी, 3 7 जा 21 होता है न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 10, तो 7/10 विल बी आवर सिंपलेस्ट फॉर्म। सी में हमारे पास क्या गिवन है, 8/100 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर लेते हैं। पहले हम 8 के मल्टीपल्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो हमारे पास मल्टीपल्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही हम अपने 100 के फैक्टर्स भी निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 100 के निकालते हैं हम, सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो हमारे पास जो मल्टीपल्स आए हैं वो क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब अगर हम यहाँ पे इनका कॉमन फैक्टर निकाले तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया, 2 2। तो अगर एच सी एफ लिखे यहाँ पे, एच सी एफ हमारे पास क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई 2, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4। यानी आपके पास एच सी एफ निकल के आ गया 4। अब आप क्या करोगे, 8/100 को दोनों को ही 4 से डिवाइड करना है, और जब हम 8/4 को, 8/100 को 4 से डिवाइड करते हैं दोनों को ही, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे हमारे पास ऊपर आएगा 2, और 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। यानी आपकी जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है वो क्या आई है, 2/25। अब हमारे पास डी पार्ट में क्या गिवन है फ्रैक्शन में, 27/63। इसको हम डिवीज़न मेथड से कर लेते हैं। 63 को सबसे पहले 27 और 63 में से 63 को 27 से डिवाइड करेंगे, 27 को 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 54। 63 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9। अब हमें क्या करना है, 27 को 9 से डिवाइड करना है, 9 3 जा क्या होता है हमारे पास, 27। यानी इस फ्रैक्शन के लिए आपके पास जो एच सी एफ निकल के आया है वो क्या हो गया, एच सी एफ क्या आ गया आपके पास, एच सी एफ इज़ इक्वल टू 9। अब हमें अपनी फ्रैक्शन लिखनी है 27/63। न्यूमरेटर को भी क्या करना है, एच सी एफ से डिवाइड करना है, और डिनोमिनेटर को भी एच सी एफ से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद 27 को 9 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3, और 63 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। यानी जो रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन थी वो हमारे पास क्या आई है, 3/7। ई पार्ट करते हैं, ई में हमारे पास क्या गिवन है, 13/52। इसमें भी डिवीज़न मेथड यूज़ कर लेते हैं हम, 52 को डिवाइड करेंगे 13 से, 13 4 जा 52। डायरेक्ट हो गया ये, एक ही स्टेप में हो गया हमारे पास। तो अब आपके पास एच सी एफ क्या आया है, 13, एच सी एफ इज़ इक्वल टू 13। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन थी 13/52, इसको डिवाइड करेंगे हम एच सी एफ से, यानी 13 से न्यूमरेटर को ही, 13 से ही डिनोमिनेटर को, और डिवाइड करने के बाद में हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 52 को 13 से डिवाइड करेंगे 4। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन है वो क्या आ गया है, 1/4। अब हमारे पास एफ पार्ट में फ्रैक्शन क्या है, 51/85 है। सेम इसको भी हम डिवीज़न मेथड यूज़ करके करते हैं। सबसे पहले हम 85 को 51 से डिवाइड करेंगे, 51 से डिवाइड करेंगे तो 51 1 जा 51 होता है, 85 में से 51 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 34। अब हम क्या करेंगे, 51 को 34 से डिवाइड करेंगे, 34 1 जा 34, 51 में से 34 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 17। अब 34 को क्या करेंगे, हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 2 जा 34।
कंप्लीट डिवीजन हो गया, इट मींस हमारे पास एचसीएफ क्या निकल के। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन थी सेम मेथड यूज़ करेंगे, 51/85 को डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 17 से, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी, 51 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और 85 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन है वो क्या आएगी, 3/5। जी पार्ट में हमारे पास गिवन फ्रैक्शन क्या है, 87/145। सेम इसमें भी डिवीज़न मेथड यूज़ कर लेते हैं हम। 145 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 87 से डिवाइड करेंगे, 87 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा, 145 में से 87 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 58। अब 57 को हम क्या करेंगे, 58 से डिवाइड करेंगे, 58 से डिवाइड करेंगे तो 58 होता है, 87 में से 58 को माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 29। अब हम 58 को क्या करेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे, 29 2 58 होता है, यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट डिवीज़न हो जाएगा और HCF क्या निकल के आ गया हमारे पास, 29, यानी HCF इज़ इक्वल टू 29। सेम पैटर्न फॉलो करना है जो सभी क्वेश्चंस में किया हमें, हमने 87/145 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम क्या करेंगे, 29 से डिवाइड करेंगे, और 29 से डिवाइड करने के बाद में जब 87 को 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, और 145 को 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, यानी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो हमारे पास क्या आ गई है, 3/5। एच पार्ट में हमारे पास गिवन फ्रैक्शन क्या है, 248/279। अब इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले 248 और 279 का क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 248 का निकालते हैं सबसे पहले, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 124, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 2 6 12, 2 2 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 2 3 6 और 2 1 2। अब हम क्या करेंगे, 279 का भी निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, 279 का, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 से डिवाइड होगा ये, तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा 3 9 27, 3 3 9, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 9, 3 1 3 और 31 1 31। अब हमारे पास क्या हो गया है, सारे मल्टीपल्स हमने निकाल लिए हैं, अब हम इसको लिखेंगे HCF फाइंड आउट करने के लिए। 248 क्या है, 2 × 2 × 31। 279 क्या है हमारे पास, 3 × 3 × 31, यानी दोनों में ही अगर हम चेक करें तो हमारे पास HCF क्या निकल के आया है, 31। तो हमारे पास HCF क्या आ गया है, 31। अब हमें सेम स्टेप फॉलो करना है, 248/279 हमारे पास गिवन फ्रैक्शन थी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही हम क्या करेंगे, HCF से डिवाइड करेंगे, यानी 31 और 31 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आएगी सिंपलेस्ट फॉर्म में, 248 को 31 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 8, और 279 को 31 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 9। तो यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में वो क्या आ गई है, 8/9। लास्ट पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, आई इसमें हमारे पास जो फ्रैक्शन गिवन है वो है 572/1012। सेम इसको भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, तो सबसे पहले हम हमारे पास 572 के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 286, अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 143। अब ये हमारे पास 11 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 13, एंड 13 1 13। मैंने बताया था प्राइम डिवाइड तब तक करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 नहीं आ जाता, अब ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, 1012 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 506, अगेन इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 253। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 23,
और 23 वन जा 23, तो यहाँ पे भी प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने मल्टीपल्स को लिख के HCF फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 572 के मल्टीपल्स क्या क्या आए थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ऐसे ही हमारे पास 1012 के मल्टीपल्स क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23। अगर यहाँ से हम HCF फाइंड आउट करें तो हमारे पास क्या आ गया है, ये 2 कॉमन है, देन ये एंड 11, तो हमारे पास HCF में क्या आ गया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, यानी हमारे पास HCF हो गया 44। अब हमें क्या करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। फ्रैक्शन लिखते हैं हमारे पास 572 अपॉन में 1012, इसको डिवाइड करेंगे HCF से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ को 44 से, और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास सिंपलेस्ट फ्रैक्शन आई है 574 को, जब हम 572 को 44 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 13, और 1012 को 44 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 23। तो रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पास फ्रैक्शन क्या आ गई है, 13 अपॉन में 23।